हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टैटिक्स के बारे में। रिसर्च एंड स्टैटिक्स जो कि हमारा सब्जेक्ट है, उसमें हम स्टैटिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो क्या है, आज हम सीखेंगे कि डेटा सीरीज़ क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो डेटा सीरीज़ आपके इंडिविजुअल डेटा सीरीज़, डिस्क्रीट डेटा सीरीज एंड कंटिन्यूस डेटा सीरीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा सीरीज़ को समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि रिसर्च जब हम करते हैं तो उसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा कलेक्ट करने के बाद हमें उन डेटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना होता है। तो डेटा हम किस फॉर्म में कलेक्ट करते हैं और किस तरीके से उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डेटा सीरीज़ हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हम डेटा को देखते हुए समझ सकें कि इस डेटा का जो है कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, एनालिसिस कैसे किया जाएगा। क्योंकि हर सीरीज़ के अंदर अलग अलग तरह के फॉर्मूले यूज होते हैं। जैसे अगर आपको इन तीनों सीरीज़ में मीन कैलकुलेट करना हो, एवरेज कैलकुलेट करना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला अलग रहेगा, इसके लिए फॉर्मूला अलग रहेगा और इसके लिए फॉर्मूला अलग रहेगा। अब बात करते हैं कि ये जो डेटा सीरीज़ है, हमको देखने में लगता है कि ये जो डेटा सीरीज़ अलग अलग हैं, लेकिन सिंगल डेटा को, सिमिलर डेटा को हम तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन चीज़ों को समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि सेम डेटा तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और उनका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है जिसमें एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं और उन 30 स्टूडेंट्स ने एक एग्ज़ाम दिया था। उस एग्ज़ाम में 50 में से कितने मार्क्स उनको मिले हैं, इसको ध्यान में रखते हुए वो मार्क्स मैंने यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स के लिखे हैं। तो जैसे 25, इसका मतलब एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको 25 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 50, दूसरा स्टूडेंट है जिसको 28 मिले हैं, तीसरा स्टूडेंट जिसको 32 मिले हैं, उसके बाद 22, 19, 23, 26, इस तरीके से मार्क्स मिले हैं। ये जो डेटा सीरीज कहलाती है, इसको अपन बोलते हैं इंडिविजुअल डेटा सीरीज। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डेटा सीरीज। इंडिविजुअल डेटा सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हर वैल्यू इंडिविजुअली लिखी होती है। इंडिविजुअली मतलब, जैसे अगर 25 मार्क्स एक स्टूडेंट का एक बार है तो एक बार लिखा जाएगा, और अगर दो बार है तो उसको अलग अलग बार लिखा जाएगा। मतलब हर डेटा इंडिविजुअली लिखा रहता है, इसलिए इस डेटा सीरीज़ को इंडिविजुअल डेटा सीरीज़ कहते हैं। तो अगर इस तरह का डेटा आपको देखने को मिले तो वो डेटा सीरीज कहलाती है इंडिविजुअल डेटा सीरीज। आज की इस वीडियो में हम तीनों प्रकार की जो सीरीज़ हैं, इंडिविजुअल डेटा सीरीज, डिस्क्रीट डेटा सीरीज एंड कंटिन्यूस डेटा सीरीज, इनको बनाना और इनका कंसेप्ट क्या उसको हम समझेंगे। इनके अंदर मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, अलग अलग तरह के फॉर्मूले क्या हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस इंडिविजुअल डेटा सीरीज़ की हम बात कर रहे थे, तो ये कहलाती है, जिसमें हर वैल्यू इंडिविजुअली लिखी होती है, वो कहलाती है इंडिविजुअल डेटा सीरीज़। सेकेंड है डिस्क्रीट डेटा सीरीज। डिस्क्रीट डेटा सीरीज क्या होती है? जिसमें हम वैल्यू को या ऑब्जर्वेशन को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखते हैं। मतलब कोई भी वैल्यू कितनी बार रिपीट होती है वो कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर इस एग्जांपल की हम बात करें तो यहाँ पे 25 एक इस जगह आ रहा है और दूसरी वैल्यू 25 की इस जगह आ रही है, हो सकता है और भी हो, जैसे ये 25। तो कोई भी वैल्यू कितनी बार रिपीट होती है वो वैल्यू कहलाती है फ्रीक्वेंसी। जितनी बार रिपीट होती है वो कहलाती है क्या? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और वैल्यू और ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन है जो कि रिपीट होते हैं या जो हमने स्टडी किए हैं। वैल्यू ऑब्जर्वेशन वो पार्ट है जो कि हमारा डेटा है या जो हमने स्टडी किए हैं, वो कहलाते हैं वैल्यू, और इसको हम स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्या हम इस डेटा को डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं? तो अभी मैंने क्या किया है, ये जो अपना इंडिविजुअल डेटा था, इस डेटा को मैंने फ्रीक्वेंसी के साथ रिप्रेजेंट किया है, और ये जो डेटा सीरीज़ कहलाती है वो कहलाती है डिस्क्रीट डेटा सीरीज़। डिस्क्रीट डेटा सीरीज़ और इंडिविजुअल डेटा सीरीज़ में आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। इंडिविजुअल डेटा सीरीज़ में हर वैल्यू को आप इंडिविजुअली लिखते हैं,
लेकिन डिस्क्रीट डेटा सीरीज में आप उस वैल्यू को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 25 को 3 बार रिप्रेजेंट किया है, तो 25 को आप बजाय अलग अलग लिखने के आप उसको उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मेंशन करते हैं। तो इंडिविजुअल डेटा सीरीज को हम डिस्क्रीट डेटा सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, वो होता है टैली मेथड। तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं उन सब वैल्यूज़ को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको बनाने का तरीका क्या है ताकि हमारे लिए आसान रहे, उसके बाद क्या है, जैसे आपको 12 वैल्यू सर्च करनी है यहाँ पर, तो 12 आपको मिला एक, उसके बाद आपको 12 सर्च करना है तो वो आपको नहीं मिला, तो आपने क्या किया यहाँ पर एक टैली लगा दिया। उसके बाद आपको सर्च करना है 18, तो 18 को आपने सर्च किया, तो 18 को आप सर्च करेंगे, एक बार सर्च हुआ आपने, और यहाँ पर इसके अलावा आपको 18 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपने लिखा 18। उसके बाद 19 हम सर्च करेंगे, तो 19 जो भी आपको दिखाई दे, एक बार लिखा आपने, एक टैली पॉइंट आपने डैश लगाया, दूसरा आपको देखा, दूसरा आपने डैश लगाया, थर्ड आपको देखा, थर्ड आपने डैश लगाया, इस तरह से कर सकते हैं। अभी क्रॉस करने से हमको बेनिफिट क्या होगा, डैश लगाने से हमको बेनिफिट क्या होगा, वो हमारे लिए इस फ्रिक्वेंसी की कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। क्रॉस लगाने का मतलब क्या है, हमने इस वैल्यू को इस टैली के अंदर शामिल कर लिया है, तो होगा क्या, लास्ट में जब आप टोटल करोगे इनका, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल डेटा 30 है। तो लास्ट में जब हम टैली करेंगे तो वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा होने की जो एरर है वो एरर नहीं होगी। तो हमने इस तरह से कट किया, इसके अलावा 19 हमको यहाँ मिला, हमने एक कट और लगा दिया, इसके बाद और कहीं नहीं है। 22 की हम बात करें तो ये 22 क्रॉस किया हमने, यहाँ पर एक डैश लगाया। इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे डेटा को टैली करते हुए हम टैली करेंगे, उसके बाद इन डैश को काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगल डैश है तो हमने एक लिखा, यहाँ पे सिंगल डैश है तो यहाँ पे हमने एक लिखा, यहाँ पे चार डैश हैं तो यहाँ पे हमने चार लिखा। अगर ये पाँच होते तो हम इसको चार डैश लगाने के बाद इसको क्रॉस कर देते तो क्या पाँच का एक सेट बन जाता, और बाद में हमको जब हम कैलकुलेशन करेंगे, सपोज़ कीजिए इसमें 2 डैश और आते हैं और इसकी वैल्यू बनती है 7, तो ये पाँच का एक सेट हो गया, तो हमको क्या बाद में काउंट करने में ईजी होती है। तो चार डैश लगाने के बाद पांचवा वैल्यू अगर हमको यहाँ पे ऑब्जर्व होती है तो हम उसको क्रॉस लगा देंगे, और क्रॉस लगाने के बाद नेक्स्ट वैल्यू जो आती है वही सिंगल डैश हम लोग लगाएंगे। अब सपोज़ कीजिए कि इसमें भी हमको पांच वैल्यू और मिली, तो हम चार वैल्यू तक सिंगल डैश लगाएंगे और उसके बाद इसको फिर से क्रॉस कर देंगे, तो अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो इस तरह से हम टैली सिस्टम को यूज़ करते हैं, जो भी वैल्यू यहाँ पर है उसको हम टैली करने के लिए एक डैश लगाते हैं और यहाँ से उस वैल्यू को काट देते हैं। काटने के बाद क्या होगा, अब जो वैल्यू बची हैं आपको केवल उनमें सर्च करना है। अब लास्ट में जब हम टैली करते हैं मिस्टेक होने की संभावना इससे कम होती है। हम ये देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू जिस पे क्रॉस नहीं लगा हुआ, तो हमको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू हमारे इस टैली में शामिल नहीं हुई है, तो हम उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से इंडिविजुअल डेटा सीरीज़ को हमने डिस्क्रीट डेटा सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो अगर हम इसको वैल्यू को देखें, टोटल वैल्यू हमारे पास 30 थी और उसी को आधार मानते हुए हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो इस फ्रीक्वेंसी का टोटल वैल्यू भी कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। अब इस वैल्यू में, इस सीरीज़ में और इस सीरीज़ में डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है आपको, कि यहाँ पर डेटा इंडिविजुअली लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको बताने के लिए कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 25 हैं, आपको हर बार इस डेटा सीरीज़ को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर इस टेबल की मैं बात करूँ और आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका जिनके 25 मार्क्स हैं, तो आप डायरेक्टली देख करके कहोगे कि सर ऐसे 3 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 25 हैं। तो डेटा को डिस्क्रीट फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे लिए डेटा को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की डेटा सीरीज़ की, वो है कंटिन्यूस डेटा सीरीज़। तो कंटिन्यूस डेटा सीरीज़ जो होती है वो इंटरवल्स में लिखी जाती है, ग्रुप में या इंटरवल्स में लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे हमने इस इंडिविजुअल डेटा को डिस्क्रीट डेटा के अंदर कन्वर्ट किया, अब हम क्या करेंगे इस डेटा को, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी टेबल हो रही है तो हम इस टेबल को भी और कंसाइज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, मार्क्स के तो हमारी जो टेबल है इसको हम और कंसाइज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, मार्क्स के ग्रुप्स बनाएंगे ऑब्जर्वेशन, और उस ग्रुप्स को भी उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखेंगे। अब ग्रुप्स कैसे हो सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 0 से 10 हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 10 से 20 हैं, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, ये मार्क्स वाले स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे।
तो हम सेम वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सेम वही पैटर्न यूज कर सकते हैं जैसा कि हमने टैली सिस्टम यहाँ पर यूज किया था। टैली सिस्टम हमने यहाँ पे यूज किया था, सेम टैली सिस्टम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 28 को पुट करना हो तो 28 जो है वो किस ग्रुप के अंदर आएगी, 22, 30, तो यहाँ पे आप एक डैश लगाओगे। अगर मैं बात करूँ 23 की, 23 भी इसी ग्रुप में आएगा तो ये आप सिंगल डैश लगाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आपको पर्टिकुलर डेटा की आपको दिखाई दे रही है, अब वो फ्रिक्वेंसी आपको पर्टिकुलर ग्रुप की दिखाई देगी। मतलब अब उसका एनालिसिस कैसे था, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिनके पास, जिनके 25 मार्क्स मिले हैं जिनको, अब यहाँ पे हम ग्रुप की बात करेंगे, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिनके मार्क्स 10 से कम है, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिनके मार्क्स 10 से और 20 के बीच में है, ऐसे स्टूडेंट कितने जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में है, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे स्टूडेंट कितने जिनके मार्क्स अंडर 30 है, मतलब 30 से कम है। तो 30 से कम की बात करेंगे तो ये भी शामिल हो जाएगा। तो ये तीनों फ्रिक्वेंसी जुड़ करके हमारे पास हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की। ऑलरेडी मैं यहाँ पर डिस्क्रीट डेटा सीरीज सेट कर चुका हूँ, तो यहाँ से हम ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हम ले सकते हैं 0 से 10, मतलब 10 के 12 से कम कोई वैल्यू नहीं है तो हमारी फ्रिक्वेंसी होगी 0। 10 से 20 की हम बात करें तो 10 से 20 में 12 भी आएगा, 18 भी आएगा और 19 भी आएगा। तो जो तीनों वैल्यू हैं, हमारी एक्चुअल वैल्यू आई थी स्टार्टिंग में 4 आई थी, तो हम उसको कर देते हैं 12, 18 एंड 19, इनको हम जोड़ेंगे 4, 5 और 6, मतलब ये जो 6 फ्रिक्वेंसी है वो अब हमारे इस ग्रुप का पार्ट है। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 20 से कम है और 10 से ज़्यादा है, ऐसे स्टूडेंट टोटल कितने 6। अगर मैं बात करूँ 22, 30, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वैल्यू जो है 22, 30 मार्क्स वाले ग्रुप में आ रही है। तो यहाँ पे टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी जाएगी, इनको हम फ्रिक्वेंसी को ऐड कर देंगे, टोटल 12 स्टूडेंट यहाँ पे उन फ्रिक्वेंसी को जोड़ देंगे। तो अब हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज हो गया, लेकिन मीनिंग सेम है। अब हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिनके मार्क्स 20 से ज़्यादा हैं लेकिन 30 से कम हैं, तो वो होता है हमारा आंसर क्या है, 12। इसी तरह से हम बाकी का लिख देंगे, 30 to 40 वाले इस ग्रुप में आएंगे और ये वैल्यू है आपकी 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये वैल्यू आपकी बनती है 10। और 40 to 50 हमारे पास हैं 2, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा निकल करके 30। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो फ्रिक्वेंसी है वो इस इंडिविजुअल डेटा के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम अपना आंसर टैली कर सकते हैं। तो तीनों प्रकार का फॉर्मेट हमको समझ में आ गया। पहला है इंडिविजुअल डेटा सीरीज, यहाँ पे डेटा और वैल्यू जो है वो इंडिविजुअली लिखी होती है, मतलब फ्रिक्वेंसी जितनी बार फ्रिक्वेंसी होगी उतनी बार वो वैल्यू रिपीट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम वैल्यू को रिपीट नहीं करते बल्कि उसके सामने उसकी फ्रिक्वेंसी को मेंशन करते हैं, तो वो बन जाती है हमारी डिस्क्रीट डेटा सीरीज। और जहाँ पे हम ग्रुप की फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे हम वैल्यू को ग्रुप्स के अंदर क्लास इंटरवल के अंदर मेंशन करते हैं, वो कहलाता है हमारा कंटिन्यूस डेटा सीरीज। अब कंटिन्यूस डेटा सीरीज के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम समझ लेते हैं। पहला तो ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है किसी भी ग्रुप इंटरवल के अंदर, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो कहलाती है उस ग्रुप की लोअर लिमिट, और जो लास्ट वाली लिमिट होती है, सेकंड वैल्यू जो होती है, वो कहलाती है अपर लिमिट। तो ये होगी लोअर लिमिट। जैसे अगर 0 से 10 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लोअर लिमिट हो गई 0 और अपर लिमिट हो गई 10। 10 से 20 की बात करूं तो यहाँ पर लोअर लिमिट 10 और अपर लिमिट 20। 20 से 30 की बात करूं तो लोअर लिमिट 20, अपर लिमिट 30। 30 से 40 की बात करूं तो लोअर लिमिट 30, अपर लिमिट 40। इसी तरह से लोअर लिमिट 40 एंड अपर लिमिट 50। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो आपका प्रीवियस ग्रुप है, मतलब इस सीरीज़ में बात करें तो प्रीवियस ग्रुप ये और लास्ट वाला ग्रुप, उसके बाद वाला ग्रुप ये, अगर इन दोनों की बात करूं तो ये प्रीवियस और ये बाद वाला, इन दोनों की बात करूं तो ये प्रीवियस और ये बाद वाला, मतलब जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी अपर लिमिट और सेकंड ग्रुप की लोअर लिमिट अगर इक्वल होती हैं, फर्स्ट ग्रुप की अपर लिमिट एंड सेकंड ग्रुप की लोअर लिमिट अगर इक्वल होती हैं, तो इस तरह की जो डेटा सीरीज है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव डेटा सीरीज। कौन सी सीरीज बोलते हैं, एक्सक्लूसिव डेटा सीरीज। और अगर कुछ इंटरवल इस तरह के होते हैं
जीरो टू नाइन, टेन टू नाइनटीन, ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन, थर्टी टू थर्टी नाइन, इस तरह की अगर डेटा सीरीज़ है जहाँ पर एक ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरे ग्रुप की सेकेंड ग्रुप की लोअर लिमिट इक्वल नहीं होती, इस तरह की डेटा सीरीज़ को बोलते हैं इंक्लूसिव डेटा सीरीज। तो एक्सक्लूसिव डेटा सीरीज़ कब होगी? जब एक ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरी ग्रुप की लोअर लिमिट इक्वल होगी। लेकिन इंक्लूसिव डेटा सीरीज़ कब होगी? जब एक ग्रुप की अपर लिमिट दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट इक्वल नहीं है, उस कंडीशन को अपन बोलेंगे इंक्लूसिव डेटा सीरीज़। अब इन टेबल्स को हम, ये जो डिफरेंस है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव का, उसको हम समझ लेते हैं। सपोज़ कीजिए कोई वैल्यू आपके पास है 10, कोई वैल्यू है हमारे पास 10। अब उस 10 को आप किसकी फ्रीक्वेंसी के साथ रखोगे? उस 10 को आप किसकी फ्रीक्वेंसी के साथ रखोगे, 0 टू 10 या 10 टू 20? क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो ये इस 10 को आप किसके साथ रखोगे? तो होता क्या है कि अगर इस तरह की वैल्यू आती है तो हम प्रीवियस ग्रुप से इसको एक्सक्लूड करते हैं और दूसरे ग्रुप में इंक्लूड करते हैं, तो ये कहलाती है एक्सक्लूसिव डेटा सीरीज। और अगर हम, हमारे पास अगर इस तरह का डेटा है तो वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन का काम है नहीं, क्योंकि 10 है तो इसको हम इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हम इस वैल्यू को नेक्स्ट ग्रुप के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये दो प्रकार की डेटा सीरीज हमको समझ में आ गई, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होती है, कंटिन्यूस डेटा सीरीज के अंदर प्रेजेंट होती है। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो ग्रुप इंटरवल होता है वो हर ग्रुप के लिए इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे 10 का इंटरवल है तो यहाँ पे भी 10 का इंटरवल ही होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर इंटरवल की अगर हम बात करें तो 0 टू 9 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9 का इंटरवल है, इसी तरह से भी 9 का इंटरवल है। तो ये जो हर ग्रुप का इंटरवल होता है वो इक्वल होना चाहिए। तो तीन प्रकार की डेटा सीरीज हमको समझ में आ जानी चाहिए। पहली है इंडिविजुअल डेटा सीरीज, दूसरी है डिस्क्रीट डेटा सीरीज और तीसरी है कंटिन्यूस डेटा सीरीज। और इन तीनों सीरीज जो होती हैं वो डेटा का अलग अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। हम सिमिलर डेटा को तीनों अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू हमारे लिए समझना क्यों ज़रूरी है, ये डिफरेंस हमारे लिए समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है, अगर आपसे मीन, मीडियन या मोड कुछ भी निकालने के लिए कहा जाता है तो इन तीनों सीरीज़ के लिए अलग अलग तरह के फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, इसलिए इन तीनों सीरीज़ को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरा, जो भी रिसर्च के अंदर हम डेटा कलेक्ट करेंगे उन डेटा को हम इनमें से किसी भी फॉर्म के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग इन डेटा को सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ बनाने के लिए हमको डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा अरेंज करना पड़ेगा या फिर कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा अरेंज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर ग्राफ प्रिपेयर होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने सीखा है कि जो डेटा सीरीज होती है वो कितने प्रकार की होती है और किस तरह से हम एक डेटा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंगल एग्जाम्पल लेकर के आपको तीनों तरह के डेटा सीरीज क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आज की इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।